वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें आप ये सीखेंगे कि किसी इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इमेज शेप या फिर कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इम्प्रेस ओपन किया हुआ है। इसमें हम इमेज को इंसर्ट करना सीखते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो हम एक इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपके पास मैं तीन तरीके बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो मेन्यू के थ्रू हम इमेज को इंसर्ट करना है, तो आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है, जहाँ पर इमेज नाम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। दूसरा जो वे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार है, इसमें एक ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट इमेज की, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। तीसरा जो वे है वो आप साइड बार में देख रहे हैं, प्रॉपर्टी स्लाइड के बीच में ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट इमेजेस का, बस आपने क्लिक करना है। ये तीनों ही सेम है, जिस पर भी आप क्लिक करोगे सेम टू सेम जहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पर क्लिक करने पर भी होगा और यहाँ पर क्लिक करने पर भी सेम ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बस आपने कंप्यूटर के ड्राइव में या फिर आपके कंप्यूटर में कहीं पर भी आपकी इमेज पड़ी है, बस आपने सेलेक्ट करना है उसको। जैसा कि यहाँ पर मैं पिक्चर में इमेजेस पड़ी हैं, इसको मैं इंसर्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, आपकी इमेज क्लिक हो गई है, उसके बाद आपने ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपकी इमेज है वो इंसर्ट हो जाएगी आपकी स्लाइड के ऊपर, ठीक। अब हम जैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन के थ्रू या फॉर्मेटिंग टूलबार के थ्रू कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग टूलबार, जैसे इमेज हम इंसर्ट करते हैं तो एक टूलबार ओपन हो जाती है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये इमेज की ही टूलबार है। इसका हमने कलर वगैरह या फिर उसको रोटेशन चेंज करना है उसका कलर, या उसका हमने ब्रिंग टू फ्रंट इसे ऑप्शन का यूज़ करना है, तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो यदि आपके कंप्यूटर आपके केस में ये टूलबार नहीं आ रही है तो मैं आपको बता देता हूं ये टूल बार एक्टिवेट कहां से होती है। तो आपने व्यू मेन्यू में जाना है, व्यू मेन्यू में जाकर के यहां पर टूल बार ऑप्शंस है, इसमें आगे आपको कुछ टूल बार्स के और भी यहां पर मिलेंगे, जैसा कि यहां पर जो चेकबॉक्स लगा हुआ है वो उसका मीन्स ये है कि ये टूल बार एक्टिव है, ठीक। उसके बाद जैसा कि मैं यहां पर देख सकता हूं, ये इमेज पर चेकबॉक्स लगा हुआ है, मेरे केस में ये इमेज जो टूल बार है वो एक्टिव है। यदि आपके केस में ये चेकबॉक्स नहीं लगा तो इसका मीन्स है कि इस सॉफ्टवेयर में इमेज की टूल बार एक्टिव नहीं है, तो आपने बस क्लिक करना है। जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करोगे तो आपके जो सॉफ्टवेयर में जो इमेज की टूल बार है वो जहां पर डिस्प्ले हो जाएगी, जहां पर इमेज के सारे ऑप्शंस हैं जो हम एक इमेज या एक पिक पर अप्लाई करेंगे। अब इमेज को रीसाइज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम किसी इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसमें आपको 8 हैंडल्स मिलेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं आपको रेक्टेंगल टाइप यहाँ पर 8 हैंडल्स है। इसकी मदद से, इसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज को रीसाइज़ कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पर जैसे ही आप इस हैंडल पर माउस ले करके आओगे तो इसका एक अलग से एरो बन जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ से इसको कम कर रहा हूँ, बस आपने माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और ड्रैग करना है। ये देखिए, अब इसको मूव कर रहा हूँ मैं। मूव कहाँ से करना है, आप किसी भी इमेज के किसी भी डायरेक्शन पर जा करके माउस का लेफ्ट बटन दबाना है। इसको आप किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो मैंने ड्रॉप कर दिया, जहाँ पर ड्रॉप करना है पर आप वहाँ पर आपने माउस का जो लेफ्ट बटन है वो रिलीज कर देना है, छोड़ देना है उसको, यहाँ पर रखना है इस तरीके से। इसको बोलते हैं मूव करना किसी भी इमेज को। रीसाइज बोलते हैं कि हम किसी इमेज का साइज बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसका कम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप हैंडल की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, किसी हम गैलरी के थ्रू किसी भी इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको दो वेज हैं उसके भी। जैसा कि आप यहाँ पर साइड बार में देख रहे हैं, एक गैलरी का ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेगा आपको। फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर्टी है, उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन है, देन एनिमेशन है, मास्टर स्लाइड्स हैं, देन फिर स्टाइल्स है, उसके बाद नेक्स्ट है गैलरी। तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर इनबिल्ट यहाँ पर कुछ गैलरीज दी हुई हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर, लिब्रे ऑफिस में, तो आप कोई भी कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कीजिए, जो भी आपको यहाँ पर पिक चाहिए, बस आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मीन्स यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल रिलेटेड या फिर काफ़ी सारी कैटेगरीज इसमें दे रखी हैं, बस आपने इस कैटेगरी को क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद नीचे जहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस शो कर देगा, तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे कि यहाँ पर बुक की इमेज है, इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर, तो बस आपने इस तरीके से ड्रैग कर देना है।
ये देखिए यहाँ पर वो इमेज इंसर्ट हो चुकी है। इसको रीसाइज हम यहाँ पर हैंडल की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम करना है, ज़्यादा करना है तो आप इसकी हेल्प से कर दोगे। ठीक, तो कितनी भी इमेज, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं कैटेगरी के रिलेटेड, जो भी चाहिए आपको अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो वे है गैलरी को, गैलरी में जाने के लिए, यदि आपके पास यहाँ पर टूल बार नहीं है तो आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जा करके जहाँ पर आपको मिलेगा मीडिया, मीडिया में जा करके गैलरी नाम का ऑप्शन है, ठीक, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वैसा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर साइड बार में ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बेस हैं, चाहे तो आप मेन्यू के थ्रू जाइए, चाहे आप इस टूल बार की हेल्प से जा सकते हैं। अब हम करते हैं कि किसी इमेज को उसके बाद या फिर हमने गैलरी से कोई पिक उठाई है उसकी हम प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। फॉर सपोज करें कि ये इमेज मैंने सेलेक्ट की हुई है, अब इसमें हम फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे इसकी प्रॉपर्टी के। यहाँ पर प्रॉपर्टी मीन जो भी आप यहाँ पर इमेज है चाहे टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी करना चाहते हो तो आपने बस उसको क्लिक करना है तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अभी मैंने इमेज पर क्लिक किया है तो इसमें हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे जहाँ पर इमेज लिखा आ रहा है इसमें ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, और क्या है, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, वो सब चीज़ हम कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट पे इमेज में ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है। यदि आप इस इमेज की ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, अभी बाय डिफॉल्ट 0% है तो इसका हम जैसे इंक्रीज करेंगे तो इस इमेज की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से कुछ चेंज हो रहा है, नहीं तो आप यहाँ पर एंटर करना है उसका परसेंटेज। जैसे मान लो मैंने 50% की तो यहाँ पर उसका कॉन्ट्रास्ट है वो 50% हो चुका है। यदि आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर 0 कीजिए, ठीक, यहाँ पर भी 0 कीजिए। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं। उसके बाद है कलर मोड। कलर मोड में आपको ग्रे स्केल, यदि आप इस इमेज को ग्रे स्केल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मीन्स आपका जो फोटो है या पिक है वो कलर से आपकी ग्रे स्केल हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर आप किसी इमेज को ग्रे स्केल में बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए और ग्रे स्केल पर क्लिक कीजिए। ब्लैक एंड वाइट करना है तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। यदि आप इसमें बाटर मार्क करना चाहते हैं इस इमेज को तो एज ए बाटर मार्क हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो यदि आप नहीं करना चाहते तो बाय डिफॉल्ट आपने डिफॉल्ट पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि इस इमेज को कितना डिस्प्ले कराना है। मीन्स यहाँ पर मैं सपोज करें कि 50% दे दी, ये देखिए जहाँ पर उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो 50% हो चुकी है, ठीक, जहाँ से आप कम ज़्यादा कितनी मर्जी से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यदि नहीं करना है तो यहाँ पर आपने फिर दोबारा से 0% कर देना है, ठीक है। उसके बाद कलर है। कलर का मतलब ये है कि आप इस इमेज पर रेड कितना कलर करना चाहते हो, या उसकी कितनी परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो, ग्रीन की कितनी परसेंटेज बढ़ाना है, या फिर ब्लू की कितनी करना है। जैसे मान लो मैंने 20 कर दिया, ये जो रेड की परसेंटेज है वो 20 और इंक्रीज हो गई है, इसमें ऐड हो गई है, ठीक है। यदि आप ग्रीन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर भी 20 कर दिया तो इसकी ग्रीन की जो परसेंटेज है वो 20 यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक। तो ऐसे ही हम ब्लू की भी कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो वापस आपने 0 ही कर देना है यहाँ पर, ठीक। तो हम तो वापस उसी पोजिशन पर आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर एक लाइन की ऑप्शन है। लाइन का मतलब ये है कि आप इस इमेज के चारों ओर जहाँ पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, लाइन लगाना चाहते हैं, तो वो हम जहाँ से लगा सकते हैं। जहाँ पर नन लिखा हुआ है इसमें आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन मिलेंगे कि आप कौन सा डिज़ाइन जहाँ पर कौन सी लाइन लगाना चाहते हैं। डॉट लगाना है, लॉन्ग डॉट, डबल डॉट, डैशेज लगानी है, मीन्स हमने सिंपल लाइन लगानी है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उसकी विड्थ दे देना है, विड्थ दे देना है कि हमें कितनी उसकी विड्थ चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने ए क्लिक किया, उसके बाद कलर कौन सा देना है उसके बाद कलर कौन सा देना है। कलर सपोज करें कि जहाँ पर मैंने रेड दे दिया, ये देखिए यहाँ पर उसका जो बॉर्डर है वो रेड हो चुका है, ठीक। उसको हम ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी उसको जैसा हम इमेज में करते हैं वैसा हम यहाँ पर उसकी जो बेड तक हमने लाइन लगाई है उसका भी हम दे सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक। इस तरीके से आपने लाइन लगानी है, बॉर्डर लगाना है, तो आप लाइन टूल की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो है पोजीशन। मीन्स आप इसी किसी भी इमेज की आप पोजीशन सेट कर सकते हैं एक्स वाई रेशियो में, उसकी विड्थ और हाइट भी यहाँ से दे सकते हैं। वैसे हम ऑलरेडी यहाँ पर रिसाइज कर देते हैं तो उसकी विड्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर भी चेंज हो जाती है। यदि आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर मैंने उसकी विड्थ 5 कर दी, ये देखिए यहाँ पर उसकी विड्थ 50 हो चुकी है, सॉरी यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर 5 कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक।
ऐसे हम उसकी हाइट भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जहाँ पर एरो के जो यहाँ पर साइन है, इस तरीके से आपने क्लिक करना है बस। उसके बाद यहाँ पर रोटेशन है, रोटेशन का मतलब ये है कि आप उसको किस एंगल से देखना चाहते हैं, किस एंगल में रखना है उस पिक को। तो आप यहाँ से कुछ एंगल दिए हुए हैं, जैसे कि 45 है, 90 डिग्री है, 135 डिग्री है। तो मीन्स यहाँ पर मैंने 45 डिग्री किया, अब जो जो पिक है वो 45 डिग्री पे हो चुकी है। यदि इसको हमने 90 डिग्री पे करना है तो ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री पे हो चुकी है। अब यहाँ पे भी वो चेंज हो रहा है, यदि मैं यहाँ से करना चाहता हूँ तो बस आपने क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये रोटेशन है, हम किसी भी एंगल में इसको मूव कर सकते हैं। यदि नहीं करना तो 0% का कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखिए एक दो ऑप्शंस और हैं कि आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, उल्टी हो जाएगी उसकी पिक्चर 180 डिग्री पे। यदि हम उसको वापस करना है तो दोबारा से क्लिक कर देना है तो जीरो हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि ये बुक जैसा कि यहाँ पर बुक इधर थी तो ये बिक मीन्स ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। दोबारा से क्लिक करना है तो वापस उसी पोजीशन पर आ चुकी है, ठीक। ये देख सकते हैं इस तरीके से आप किसी भी इमेज की रोटेशन बदल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अरेंजमेंट, अरेंज करना है कि पिक को, यदि आपके पास एक से ज़्यादा पिक है तो हमने दो पिक को कैसे मैनेज करना है, ऊपर नीचे कैसे करना है, मीन्स इसको फ्रंट पे कौन सी पिक्चर आनी चाहिए और बैक पे कौन सी आनी चाहिए। अभी मेरे पास दो पिक हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ, अभी वो जो पिक ऊपर है या फ्रंट पे है वो बुक की है, नीचे ये वाली पिक है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये वाली पिक फ्रंट पे आ जाए और ये वाली पिक उसके बैक पे आ जाए, तो वो कैसे हो जाएगा, कोई भी पिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आपने बुक की इमेज सेलेक्ट की हुई है, उसके बाद आपने नीचे जाना है जहाँ पे, उसके बाद जहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपने ब्रिंग टू फ्रंट करना है या फिर फॉरवर्ड बर्न करना है, बैक बर्न करना है, सेंड टू बैक करना है। मीन्स अभी इसके पीछे लेके जाना है तो मुझे सेंड टू बैक करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए अभी उसके पीछे चली गई है। यदि उसके आगे फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, जहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक। यदि ये वाले ऑप्शन तब काम करेंगे यदि हमारे पास दो से ज़्यादा पिक हैं, दो से ज़्यादा पिक हैं और उस पिक को हमने एक एक स्टेप आगे पीछे लेके जाना है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ये टूल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑप्शन ये आपको इस टूल बार में भी मिल जाएंगे। ऊपर से यहाँ पर टूल बार देख सकते हैं, ये सेंड टू, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक बार, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर भी हैं और इस टूल बार में भी आप कर सकते हैं। और यदि पिक्चर को आप किसी इमेज को आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शन है क्रॉप की। क्रॉप कैसे हो जाएगी, कोई भी पिक आपने सेलेक्ट करनी है, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर रखी है, क्लिक कर दिया, उसके बाद यहां पर क्रॉप पर क्लिक करना है और ये इस तरीके का आपको साइन हो जाएंगे। तो इसमें आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, ये देखिए अब मैं यहां पर ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दिया, इतनी इतनी पिक है वो क्रॉप हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आप यहां से क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यदि जहाँ से भी जिस हैंडल से आप इसको इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, तो वो उतनी ही पिक क्रॉप हो जाएगी। ये वाली ऑप्शन है, इसमें भी मींस ये है कि आप इस पिक को कैरेक्टर स्केच के द्वारा देखना चाहते हैं, जैसे सैलिटाइजेशन करना चाहते हैं, इन्वर्ट करना चाहते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं, इसमें ये ऑप्शन ज़्यादा काम आती है। चारकोल स्केच का मतलब ये है कि ये इस तरीके से पिक बन जाएगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है इमेज। तो आप यदि इस तरह से इमेज चाहते हैं तो आपने बस इस टूल पर जाना है और नीचे यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक। तो इस तरीके से पिक आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अब कुछ ड्रॉइंग हम ऑब्जेक्ट करते हैं कि ड्रॉइंग के कौन कौन से हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इमेज टूल बार के ऊपर ही एक टूल बार और है, ये ड्राइंग टूल बार होती है हमारी। यदि आपके केस में नहीं आ रही है तो आपने व्यू मेन्यू में जाना है, टूल बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर ड्राइंग टूल बार है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे क्लिक करोगे तो ये टूल बार आपके सामने आ जाएगी, ठीक। अब हम करते हैं कि जैसा कि हमने रेक्टेंगल शेप चाहिए या फिर कोई इंसर्ट लाइन करनी है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो आपकी लाइन इंसर्ट हो जाएगी, किस एंगल में चाहिए, इस तरीके से, ठीक। ये देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल है, सर्कल है, यदि सर्कल लगाना है तो मैं सर्कल भी लगा सकता हूँ, कोई एरो का साइन चाहिए तो एरो लगा सकते हैं, कर्व करना है तो कर्व कर सकते हैं, कोई इस शेप की आपको टाइप चाहिए तो इस शेप में आप कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे आपको डिज़ाइन मिलेंगे, काफ़ी सारे शेप्स मिलेंगे, बस आपने क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो वही सर आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से रोटेशन भी कर सकते हैं, रोटेट आपको करना बता दिया है, देखिए इस तरीके से रोटेट करेंगे तो इस तरीके का साइन आ जाएगा ऐसे,
हम अपने हैंडल की हेल्प से पकड़ करके भी उसको रोटेट कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं कि आपने इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि जहाँ पर किसी इमेज को कॉपी पेस्ट करना है, ये सिंपल है, जैसा कि हम टेक्स्ट को करते हैं वैसे ही हम इमेज को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्रॉप करना है, क्रॉप हमने कर लिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस करना है, रिप्लेस का मतलब इस इमेज को हटा करके कोई दूसरी इमेज लगानी है तो आपने रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करना है। कंप्रेस का मतलब उसका साइज कंप्रेस हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी कौन सी रखनी है, उसकी क्वालिटी कम करनी है तो जहाँ से आप क्वालिटी कम कर सकते हैं उस इमेज की, PNG में कंप्रेशन करना है या JPG क्वालिटी में उसकी इमेज की क्वालिटी कम करनी है, तो आप यहाँ से कम कीजिए, ओके कीजिए, तो आपकी जो इमेज है वो उसका कंप्रेस हो जाएगी, ठीक। तो उसके बाद देन नेक्स्ट है कि आप किसी इमेज को सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो लाइन है, लाइन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता दिया है कि लाइन किस तरीके से लगाते हैं, लाइन पर क्लिक करना है। वैसे आप लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लाइन के कुछ स्टाइल्स हैं कि लाइन को कलर कौन सा देना है, राउंडेड करना है या नहीं करना है किसी भी कॉर्नर स्टाइल को, या फिर उसकी विड्थ और ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हम लाइन यूज़ करते हैं, लाइन लगाते हैं, एरो किस टाइप का चाहिए, ये देखिए जहाँ पर आपको काफ़ी सारे एरोज़ मिलेंगे, स्क्वायर इस टाइप का चाहिए, स्मॉल एरो, ठीक। जहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप कोई भी चूज़ करके यहाँ पर इंसर्ट करके ओके कीजिए तो वो लाइन इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद लाइन स्टाइल है, ये देखिए जहाँ से लाइन स्टाइल, नंबर, डैशेज, लेंथ उसकी कितनी रखनी है, स्पेसिंग कितनी रखनी है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। डॉटेड चाहिए या डैश चाहिए ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एरो का स्टाइल चाहिए तो आप एरो भी कर सकते हैं उसमें, एरो ये देखिए जहाँ पर एरो के निशान हैं, एरो के साइन हैं, ठीक है। जहाँ से आपने चूज़ करना है बस उस तरीके का आपको एरो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपने अलाइनमेंट आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर करवा दिया है उस टूल बार के हेल्प से, अरेंज भी करा दिया है कि अरेंज में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये भी हमने करके देख लिया है, रोटेशन भी हमने कर लिया है। उसके बाद कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट में भी हम जहाँ से कर सकते हैं, मीन्स हमें इस इमेज को 3D टाइप में देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये इमेज आपकी 3D टाइप में हो गई है, ये देखिए यहाँ पर 3D टाइप में, ठीक। इस तरीके से आप इमेज के रोटेशन या फिर उसका बदल सकते हैं, उसको कन्वर्ट किस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं कि यहाँ पर आपको नेम देना है किसी इमेज का, जहाँ पर आप नेम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या होता है कि आपने जो भी जहाँ पर कोई लिंक लगाया हुआ है तो आप उसको इंट्रैक्शन दे सकते हो। इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि क्लिक करोगे अपने उस इमेज के साथ कौन सा एक्शन आपने एक्टिवेट करना है, मीन्स आपने जैसा कि आप गो टू नेक्स्ट स्लाइड करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ इमेज यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। अब इस इमेज को या इस वाले बॉक्स को हम करना चाहते हैं, इंट्रैक्शन करना चाहते हैं, यहाँ से इस इमेज पर करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंट्रैक्शन पर क्लिक करें। अभी मैं प्रीवियस में जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी मैं नंबर 2 पर स्लाइड पर हूँ, तो मैं 1 पर जाना चाहता हूँ यदि मैं इस इमेज या इस सर्कल पर क्लिक करूँ तो मैंने गो टू प्रीवियस स्लाइड किया, यहाँ पर गो टू प्रीवियस स्लाइड, उसके बाद ओके किया, ठीक। अभी यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, देखिए पहले ऑप्शन नहीं था, अभी एग्जीक्यूट आ रहा है, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी फर्स्ट स्लाइड पर चले गए, ये देखिए 2 पर थे, फर्स्ट पर चले गए। इस तरीके से आप किसी भी इमेज किसी भी शेप के ऊपर आप इंट्रैक्शन लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, गो टू लास्ट स्लाइड, गो टू पेज, गो टू डॉक्यूमेंट, किसी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप गो टू डॉक्यूमेंट कीजिए, कोई ऑडियो प्ले करना चाहते हैं उससे रिलेटेड तो आप प्ले ऑडियो पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए तो आपकी ऑडियो प्ले हो जाएगी क्लिक करने पर। इस तरीके से आप इंट्रैक्शन लगा सकते हैं। एडिट साइड पर क्लिक करोगे तो इमेज से रिलेटेड ही या कोई भी शेप से रिलेटेड ही आपके जहाँ पर टैब्स या ओपन हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, जैसा कि शेडो लगाना है यहाँ से शेडो लगा सकते हैं, कोई लाइन वैसा सेम टू सेम है जैसा कि हमने बाहर प्रॉपर्टी के अंदर किया था, कोई कलर वगैरह चेंज करना है, ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं, फॉन्ट इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। आपने बस ओके करना है, ये देखिए मैंने ओके किया शेडो पर, ये शेडो आ चुकी है उसकी, ठीक है। नहीं आप जहाँ से भी शेडो इनेबल कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है, प्रॉपर्टी है, तो जहाँ से आपने इनेबल करना है। उसके बाद एंगल देना चाहते हो तो आप एंगल दे सकते हैं, ये देखिए अभी साइड में आ जाइए शेडो, कितनी रखनी है, डिस्टेंस कितनी रखनी है, ये यहाँ से डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। कौन सा कलर देना है शेडो का तो आप कलर भी दे सकते हैं, ठीक। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी करना है, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, ये देखिए।
ठीक है, ये शैडो का। लास्ट में स्टूडेंट्स हम करेंगे कि ग्रुप और अनग्रुप कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। मीन्स हमने दो इमेजेस को एक ग्रुप में करना है या फिर दो शेप्स को हमने एक करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो आपने बस क्या करना है, उस पर क्लिक कीजिए, पहले फर्स्ट इमेज को क्लिक करना है, उसके बाद आपने शिफ्ट दबा करके सेकेंड इमेज को क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने ग्रुप पोर्शन पर जाना है। करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में जा करके जहाँ पर आप नीचे नीचे देख रहे हैं ग्रुप, ग्रुप की ऑप्शन है, इसमें आपने क्लिक करना है। और ग्रुप कंट्रोल शिफ्ट जी इसकी शॉर्टकट की है, चाहे तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जी भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं आप यहाँ पर मेन्यू में जा करके ग्रुप ऑप्शन के अंदर ग्रुप पर क्लिक करना है। ये देखिए अब ग्रुप कर दिया, अब ये ग्रुप हो चुका है। अब जैसे ही इसको मूव करूँगा दोनों साथ में इमेज यहाँ पर मूव हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रुप एंड अनग्रुप करना हो तो वापस उसी मेन्यू में जाना है, ग्रुप के अंदर अनग्रुप, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल अल्टर शिफ्ट प्लस जी, ठीक है। तो जहां पर आपने क्लिक करना है तो ये ग्रुप हो चुकी है, अनग्रुप हो चुकी है, सॉरी, ये देखिए अब अलग अलग हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से हम कितनी भी इमेजेस को ग्रुप कर सकते हैं और कितनी भी इमेजेस को अनग्रुप भी कर सकते हैं उसी इमेज को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।